इस इतनी बातें कहने के बाद यीशु मसीह कहता है, क्योंकि उद्धार कहां पे है? यहूदियों में से है। उद्धार यहूदियों में से है, क्योंकि यहां के लोग क्या करते हैं? सच्चे ईश्वर की जो उपासना करते हैं। इसलिए यीशु मसीह उन्हें एक जो कि मार्ग से जुड़ी हुई बातें क्या कहता है कि जो उद्धार का काम है यहूदियों में से है, क्योंकि उद्धार देने वाला कौन होगा? इन्हीं यहूदियों में से है। यीशु मसीह क्या कौन था? यहूदी था, यहूदी था। लेकिन हे मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम में और आप में के बीच में से जितने कितने भी लोग ऐसे हैं जो वो निकले हुए क्या कहते हैं, यीशु मसीह कौन है? ईसाई। यीशु मसीह को क्या ठहराते हैं? ईसाई, क्रिश्चियन ठहराते हैं। लेकिन यहां बाइबल क्या बता रही है कि यीशु मसीह कौन है? यहूदी है, वो यहूदियों में से है, यहूदियों के बीच पैदा हुआ। लेकिन सब लोग नाम धराई क्या करते हैं कि वो ईसाइयों में से है। जिसको देखते हैं कि नहीं यीशु मसीह की आराधना करता है, उसके ऊपर एक ठप्पा लगाते हैं, भैया तू ईसाई बन गया क्या, क्रिश्चियन बन गया। लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है, इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह ईसाई है या यहूदी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उच्च जाति का था, यहूदियों में वो पैदा हुआ, यहूदी था। इसलिए वह स्त्री से उद्धार के बारे में बातें कराए कि हे स्त्री, तू नहीं जानती जो उद्धार का काम होने वाला है यहूदियों में से एक है जिसके द्वारा यह उद्धार का काम होगा। वह स्वयं अपने आप को डायरेक्ट नहीं कहता था कि मैं ही हूं जो तुम्हारे पास आया उद्धार करने के लिए, आया संपूर्ण सृष्टि का उद्धार करूंगा या सारे मानव जाति का उद्धार मैं ही करूंगा, वह ये नहीं कहा। वह सारी बातें को गोल गोल में घुमा घुमा कर उस स्त्री से कह रहा था कि हे स्त्री, जो मैं बातें कह रहा हूं कि जो उद्धार वाला काम है वह यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। वचन की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा, ये वचन गहराई से हमें क्या सिखा रही है कि यीशु मसीह क्या कह रहा है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, वह समय आता भी है और अभी भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना किससे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता किन लोगों से पसंद करता है, किन लोगों को ढूंढता है? कि जो आत्मा और सच्चाई से उस सच्चे पिता की आराधना करेंगे, पिता उनको क्या करेगा? अपनाएगा। पहाड़ों पे प्रार्थना करने से नहीं अपनाएगा, यहूदियों के देश में यानी यरूशलेम में प्रार्थना करने से नहीं अपनाएगा। इसलिए वह कहता है कि अब वह समय चालू हो गया है, कब से? कि जब से परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया और अपने कार्य में जुट गया, यानी यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ, यानी जब अपने राज्य का सुसमाचार सुनाना चालू किया, तब से का बात कर रहा है कि जो समय की बातें वह कर रहा था कि उद्धार वाला समय, यानी परमेश्वर किन प्रार्थनाओं से कैसे लोगों से प्रसन्न होगा, कहता है वह समय अब है, वह चल रहा है और अभी आने वाला है कि परमेश्वर अपने किन भक्तों से खुश होगा। ना तो पहाड़ की प्रार्थना करने वालों से खुश होगा, ना ये यरूशलेम के भीतर प्रार्थना करने वालों से खुश होगा, क्योंकि वह कह रहा है कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जो भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, परमेश्वर की वचन कह रही है कि पिता ऐसे ही लोगों को क्या कर रहा है? खोज रहा है, क्या करने के लिए? उन्हें अपनाने के लिए। अब वह समय आ गया है, अब वह समय चल रहा है, वह समय आने वाला है
उनकी आराधना को सुनेगा, उनकी प्रार्थना को सुनेगा, उनको खोजता है, उनको ढूंढता है, उनको अपनाना चाहता है। इसलिए अब क्या करना है, तुम्हें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी है। इतना कहने के बाद यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। आगे वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या है, आत्मा है, और अवश्य है कि वह अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वो ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, अवश्य है, यानी परमेश्वर हमारा आत्मा है, इसलिए उसकी आराधना करने वाले क्या करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, तभी वह परमेश्वर को पा सकते हैं। किसी व्यवस्था के व्यवस्था को लेकर चलने से नहीं पाएंगे, किसी व्यवस्था के अनुसार पे वह काम करने से नहीं पाएंगे, कोई नियम बांधने से नहीं पाएंगे, वह किससे पाएंगे, परमेश्वर को, अपने आत्मा से, और आत्मा की सच्चाई की प्रार्थना से परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से आराधक ऐसे हैं, बहुत से प्रभु के लोग आज के युग में ऐसे हैं, आज के जमाने में हैं, जो नियम का पालन करते हैं, व्यवस्था का पालन करते हैं, ये एक व्यवस्था बना देते, एक नियम बना देते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। जैसे अन्य कलीसियाओं में जाकर देखो, सबसे बड़ा मुद्दा एक चीज का उठता है, किस चीज का, बपतिस्मा का। सबसे बड़ा मुद्दा उठाते हैं बपतिस्मा का, और उसमें क्या कहते हैं, अगर नहीं लोगे तो उद्धार नहीं होगा। उनका एक मुद्दा बन गया है कि भैया जब तक जल से बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक उद्धार नहीं होगा। और यहाँ यीशु मसीह खुद चिल्ला कर क्या कह रहा है कि जब तक मनुष्य आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा वचन को यहीं पे रोके पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ कि मैं इस वचन को स्टार्ट अध्याय 4 के 5 वचन से किया था, लेकिन उसके पहले आप पहुंचोगे कि वचन 1 से आप 5 के बीच में पढ़ोगे क्या लिखा गया है कि फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता, उन्हें बपतिस्मा देता, उसके बाद दूसरे वचन में क्या लिखा है कि यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा दे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को आप दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ वचन कह रही है कि यीशु मसीह अपने हाथ से आज तक किसी को जल से बपतिस्मा दिया ही नहीं। कौन देते थे? उसके चेले देते थे। किसके आधार पे? यूहन्ना की बनाई गई व्यवस्था के आधार पे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में इस बात का भी गवाही दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है वह किससे देगा? आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। हम किसकी संतान है? मसीह की संतान है, हम यीशु मसीह की संतान है, हम यूहन्ना की संतान नहीं है। हमें किसकी आज्ञाओं का पालन करना है? यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। हमको किसके ऊपर विश्वास रखना है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। किसके द्वारा उद्धार है? यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी यीशु मसीह क्या बातें कर रहा है उस स्त्री से कि उद्धार किस में है? यहूदियों में से है। वह कौन होगा? वह स्वयं की तरफ इशारा कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यहाँ यीशु मसीह उससे क्या कह रहा है कि उद्धार यहूदियों में से है, और वह यहूदियों में से कौन होगा? वह स्वयं की तरफ इशारा कर रहा है। और वहां पे लोग क्या कहते हैं कि जब तक ले जल में नहीं डूबोगे तब तक ले उद्धार नहीं होगा।
और यहाँ वचन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है बिना यीशु मसीह के अपनाने से उद्धार नहीं होगा। जब तक हम बुराई को त्यागेंगे नहीं तब तक उद्धार नहीं होगा, जब तक हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे उद्धार नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बनो, हम जानते हम मानते हैं इस बात को कि हम जल से बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा हमने जल से ले लिया और हम क्या कर रहे हैं कि जल से बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने मनमानी काम कर रहे हैं, बुराई का काम नहीं छोड़ रहे हैं। देखते हैं जल की बपतिस्मा हमारी आत्मा को उद्धार करेगी, नहीं हो सकता। जब तक हम अपना मन बुराई से फिराएंगे नहीं तब तक हम उद्धार नहीं पा सकेंगे। जब तक हम इस मसीह को अपनाएंगे नहीं, जब तक उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक उसकी चाल चलन को अपनाएंगे नहीं, उसके स्वभाव को नहीं अपनाएंगे, उसके आज्ञा को नहीं अपनाएंगे, उसके सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे, उद्धार नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यहां यीशु मसीह साफ तौर पे कह रहा है कि किसी को पहाड़ों पे प्रार्थना करने से उद्धार नहीं होगा, ना यरूशलेम के भीतर। अब परमेश्वर को खुश करने का मतलब है स्वयं को परमेश्वर के राज्य में ले जाना। अगर हमें परमेश्वर के प्रेम को पाना है तो यहां परमेश्वर की वचन क्या करेंगे, हमें आत्मा और सच्चाई से क्या करना होगा, उससे प्रार्थना करना होगा, उस पर विश्वास रखना होगा, आत्मा और सच्चाई से, ये नहीं की व्यवस्था के अनुसार। मेरे प्यारे भाई बोलो, इसीलिए यहां पे यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। इसलिए अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, तभी क्या होगा, तभी उसके आत्मा का उद्धार होगा। अगर आत्मा और सच्चाई से ही आराधना करेंगे तब उद्धार होगा, अगर कहो व्यवस्था के अनुसार करेंगे तो उद्धार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आपको प्रेस डालता है कहो कि भैया नहीं, हमको जल से नहीं लेना है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज घोल घोल कर पिला दी जाती है, भैया जल से बपतिस्मा दो। वो उतना आपको परमेश्वर की शिक्षा देने के प्रति आपको ध्यान नहीं देंगे, उस काम के प्रति आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि रे भाई परमेश्वर की वचन गाती है, झूठ मत बोलना, गाली मत देना, किसी का बुरा मत करना, बुरे काम मत करना, इतने ध्यान नहीं देंगे, ये प्रेरणा नहीं देंगे। पहले क्या होंगे, खड़े होंगे, देखो भाई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और उसके नाम से बपतिस्मा लो, तब आपको उद्धार मिलेगा। अब उनका पहला कदम कहां पड़ता है, बपतिस्मा की तरफ पड़ जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा को उद्धार अगर देना है तो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना होगा। जब तक हम परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर का प्रेम नहीं पाएंगे। अगर जब तक परमेश्वर का प्रेम नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी बातें यीशु मसीह उनसे कहता है, उसके बाद वह स्त्री क्या कहती है, यीशु मसीह से कहती है कि मैं जानती हूं। अब यीशु मसीह अपने बारे में दृष्टांतों में बात किया था और बात कर रहा था, तो जब बात कर लिया यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में और प्रार्थना से उद्धार के बारे में जब बात कर लिया, तब वो स्त्री यीशु मसीह से क्या कह रही है, कह रही मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है ना, जो आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। कौन बातें, जो तुम बता रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अब वो स्त्री के समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, जो बताने वाला यही ख्रिस्त मसीह है कि दूसरा है। वो क्या कर रही है कि जो आप बातें बता रहे हो ना, जिस बातों के बारे में आप समझा रहे हो ना, मैं जानती हूं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब वो ख्रिस्त मसीहा आएगा तो वह क्या करेगा, जो आने वाला है वह क्या करेगा, वह सारी बात को हमसे बताएगा। इन सारी बातों को क्या करेगा, हमसे आकर बताएगा, हम लोगों से बताएगा, तो हम जान जाएंगे कि यही ख्रिस्त मसीह है। अब यहां बता रहा है, वह पहचान नहीं रही है, लेकिन ये बात उसके ध्यान में है कि अगर वो आएगा तो हम सबसे अपने बारे में, इन सारी बातों के बारे में बताएगा, हम जानते हैं।
वह स्त्री कहती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, जो आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें साफ बातें बता देगा। यीशु मसीह इतनी बातें सुनने के बाद उससे कहा, अरे मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वही हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ बता दिया फिर भी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं इतना तक बताया कि भाई जो मेरे जल में से पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। मैं इसे ये भी बता दिया भाई उद्धार देने वाला यहूदियों में से आएगा और वह यहूदियों में से इसके सामने आया हुआ है। और मैं सारी बातें इसको बता दिया फिर भी इसका दिमाग नहीं खुल रहा है। कह रही है कि नहीं, मैं जानती हूं कि जो ख्रिस्त काला ख्रिस्त मसीहा आने वाला है, जो हमें उद्धार देने के लिए आने वाला है, वो आएगा तो हमसे सारी बात बताएगा। और मैं ही हूं जो आकर सारी बात बता रहा हूं, ये मुझे पहचान ही नहीं रही है। जब यीशु मसीह ने देखा ये पहचान नहीं रही है, तब यीशु मसीह खोल कर कह रहा है, अरे मैं जो तुमसे ये बातें बता रहा हूं ना, मैं वही हूं। कौन? मेरा ख्रिस्त मसीह हूं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी सामरी स्त्री के समान आज भी लोग हैं, आज भी हमारे और आपके बीच में, यानी इस धरती के ऊपर पूरे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो सारी चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु मसीह के बातों के बारे में सुन रहे हैं, उसके वचन के बारे में, उसके उसके आने के भविष्यवाणियों के बारे में सुन रहे हैं, उसके सारे काम के बारे में देख रहे हैं, काम के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वह नहीं जानते, वह विश्वास नहीं करते यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, देखते हैं, अरे फला मनुष्य बहुत बीमार था, वो हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने कह दिया भाई तेरी बीमारी इतनी बढ़ गई है, तुम्हारा कोई तुम्हारे जीवन में जो है कि क्या हो जाएगा कोई नहीं बता सकता, हो सकता है तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए क्योंकि तुम्हारी शरीर के भीतर का जो मशीनरी है खराब है, तुम मर जाओगे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो फला मनुष्य यीशु के पास गया, वो आते जाते रहा, आज देख रहा हूं कि वो बिल्कुल ठीक पाट है। देख रहे हैं फिर भी कह रहे हैं, जब देख रहे हैं कि नहीं बिल्कुल आराम है, फिर भी उनके दिमाग में एक जो है कि ऐसा कीड़ा बसा हुआ है जो यीशु मसीह को मानने से इनकार करा रहा है। वो देख रहे हैं यीशु मसीह के पास आने से फ्री में चंगाई मिल रही है, फ्री में जीवन मिल रहा है, वो आनंदित है मनुष्य, सारी बातों के बारे में जानते हैं, फिर भी एक कीड़ा है, किस नाम का, जाति और धर्म का कीड़ा उनके दिमाग में चल रहा है। क्या कहते हैं, फलनवा जाए कि ईसाई बन गया, वही ईसाई का जो है कि छाप लगा देते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं कि यीशु मसीह संसार में आया तो वह ईसाइयों के बीच में नहीं आया, और ना तो ईसाई बनने के लिए आया, ना तो ईसाई बनाने के लिए आया, ना तो ईसाई के भीतर पैदा हुआ, वह तो खुद यहूदियों में पैदा हुआ। और यह पैदा हुआ तो बात अलग की है, लेकिन ये वह इस संसार में आया तो ना तो किसी का जाति बदलने के लिए, ना किसी का धर्म बदलने के लिए, वह हर नाश होने वाले मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए आया। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारे भाई बोलो, इस संसार में मनुष्य के विश्वास योग्य सिर्फ एक ही है, कौन? हमारा यीशु मसीह है, उसके सिवा संसार में कोई, क्योंकि वह क्या करता है, हमें और आपको, यानी मनुष्य के लिए विश्वास योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए क्योंकि वह मनुष्यों के लिए आया और मनुष्यों के पाप को उठाया और स्वयं का मनुष्यों के लिए बलिदान कर दिया, स्वयं को मृत्यु को दे दिया, और मृत्यु को उसने क्या किया, सहन कर लिया, और मृत्यु को सहन करके हर मनुष्य को उसने जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया। यानी खुद मृत्यु लिया और जीवन दे दिया। तो भैया, अगर वह मृत्यु लिया जीवन दिया तो इसमें जाति धर्म वाली बात कहां से आ गई? मेरे प्यारे भाई बहनों, न वह किसी जाति के लिए आया, न धर्म के लिए, वह सिर्फ हर मनुष्य के जीवन के लिए आया। वह ये नहीं कहा कि मैं इस जाति वालों के लिए आया हूँ, या उस जाति वाले के लिए आया हूँ, इस धर्म वालों के लिए आया हूँ, या उस
धर्म वालों के लिए आया हूं, वह ये बातें नहीं कहा। वह इस संसार में आया तो कहा मैं इस संसार के सारे मनुष्य के लिए आया हूं। वह परमेश्वर है, परमेश्वर ने जब इकलौते पुत्र को भेजा तो ये नहीं कहा कि मैं ईसाई के लिए अपना इकलौता पुत्र लेता हूं कि उनमें से जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, वह ये बातें नहीं कहा। उसने कहा कि वह परमेश्वर ने कहा कि मैंने इस पूरे संसार के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि संसार में से जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे वे लोग नष्ट नहीं होंगे परंतु वह अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वह सच में हमारा परमेश्वर दयावंत है, जो हमारे प्रति दया करता है, हमारे हमारे प्रति अपनी करुणा बरसाता, प्रेम बरसाता है, प्रेम देना चाहता है। हम ही है कि नहीं लेना चाहते? यदि आप उस परमेश्वर के सारे सारी बातों को अगर जान जाएंगे तो सच में आपके अंदर ये विश्वास जागेगा कि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता रखता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी परमेश्वर आपसे कहता है, आप हर एक बातों को जो सुनते हो उसे समझिए, उसको अपने जीवन में लागू करिए, उसे ग्रहण करिए, उसे अपनाने की कोशिश करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरे पास आना चाहता है, स्वर्ग के राज्य को पाना चाहता है तो आत्मा के सच्चाई को ग्रहण करो। आत्मा की सच्चाई क्या है? कि वह यीशु मसीह हमारे पास आया, अपना प्राण दिया, हमारे पास अपना ज्ञान छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि हम उसे अपनाएं और स्वर्ग का जीवन पा सके। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर।